वहीं चतरा के टनवा एनटीपीसी परियोजना के प्रबंधन ने छह गांव के स्थानीय सहायक कर्मियों को काम से नहीं आने का फरमान सुनाया है। इस फरमान के बाद सहायक कर्मी आक्रोशित होकर एनटीपीसी के मुख्य द्वार पर प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे और विरोध करने लगे। सहायक कर्मी मूलभूत सुविधाओं और स्थायीकरण की मांग को लेकर एनटीपीसी मुख्य द्वार पर धरने पर भी बैठ गए। सहायक कर्मियों का कहना है कि स्थायीकरण और मूलभूत सुविधा नहीं दी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि परियोजना से प्रभावित गांव के रैयतों द्वारा तीन सूत्री मांगों को लेकर प्लांट का कामकाज बंद करा दिया गया है। हम लोग को विशेष कहना है कि डायरेक्ट हम लोग को लड़का लोग को UPL में रखे, स्थायीकरण करे 60 साल के लिए फिक्स। सुविधा मुहैया नहीं करवाता है और हम लोग सारे जितना है यहाँ जमीनदाता हैं, जितने लड़का लोग लगे हुए हैं सब जमीनदाता हैं।